स्टेशन पे है, क्योंकि आज से 5 दिन तक हम ट्रैवल करेंगे कंटिन्यूस। एक्चुअली जापान में समर वैकेशन स्टार्ट हो गया, तो हमने सोचा कि एक लॉन्ग ट्रिप मार लेते हैं। सो आज हम जाएंगे कामिकोची। कामिकोची जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो टोक्यो से आपको नागानो जाना पड़ेगा जो कि 1.5 आवर का है, देन नागानो टू मात्सुमोतो जो कि 1 आवर का है, देन मात्सुमोतो टू कामिकोची हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 1.5 आवर का है। ओके, सो आज ये हम लोगों ने पास ले लिया, एक जे आर ईस्ट पास होता है, और फिर पास ले लिया, और पास से हम सारे सिंकानसन में बैठ सकते हैं और लोकल ट्रेन, लोकल बस सब कुछ बैठ सकते हैं। सिंकानसन मीन्स बुलेट ट्रेन। सो हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बहुत सारे सिंकानसन में बैठेंगे, और आप वीडियो देखते रहिए एंड तक। सी यू सून। तो अभी हम लोग नागानो स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो हमको नागानो स्टेशन से अभी मात्सुमोतो स्टेशन जाना है, तो हमने पास वगैरह सब कुछ ले लिया है। एंड अगर आपको जैसे कि हम कैंपिंग साइट पे जा रहे हैं, वो जंगल एरिया, बिल्कुल जंगल एरिया, उधर आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल मतलब जापनीज़ ट्रेडिशनल जापनीज़ फूड मिलेगा, बट ऐसे नॉर्मल चीज़ें कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप नागानो स्टेशन से ही कुछ खरीद के लंच डिनर कुछ लेके जाइए, हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ से मात्सुमोतो जाएंगे, देन मात्सुमोतो से बस रहेगा हमारा कामिकोची के लिए, तो हम कामिकोची में पहुँच जाएंगे अराउंड 3:30 हम पहुँच जाएंगे कामिकोची। तो मिलते हैं आपको कामिकोची में। कैसा लग रहा है मात्सुमोतो स्टेशन? ओह अल्टीमेट, अल्टीमेट न्यू ट्रेंड, आई हैवंट सीन दिस ट्रेन इन एंटायर जापान। ओह माय गॉड, अल्टीमेट जर्नी टिल नाउ। ये हिरोशिमा में मिल जाता है संतोषन। आशीष क्या कर रहे हो? ये देखो ये यहां का बहुत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि 710 येन भरने कहां से हैं। हां 710 येन भरने का मैं कोई उपाय नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो इंडिया का ट्राम, यहाँ पे स्पेशल ट्रेन बना हुआ है। हाँ ट्राम जैसी हालत है इसकी। ये एक स्पेशल ट्रेन है, आप देख सकते हैं ट्राम टाइप का है, कुछ पुराना, बट बहुत मज़ा आएगा इसमें बैठ के, इसका भी एक्सपीरियंस लेते हैं। और ये कहाँ गए सब लोग, चले गए अंदर? सो अभी हम लोग यहाँ से स्लिप निकालेंगे और उसके बाद जब कामिकोची पहुँचेंगे तो पेमेंट। ओके चलो, बाकी लोग उधर बैठ गए ना, हम भी चलते हैं। तो यहाँ मात्सुमोतो स्टेशन में हम पहुँच चुके हैं, और ये एक यूनिक ट्रेन है, पुराने ज़माने का टाइप का एक है, ट्राम टाइप का कुछ तो ट्रेन है, तो यहाँ पे जाएंगे। बट बहुत अच्छा है, कलरफुल ट्रेन है पूरा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग यहाँ बैठ चुके हैं, इन्जॉय कर रहे हैं, बस ये कि हम लोग कामिकोची बस पहुँच ही जाए,
और उधर थोड़ा रेस्ट कर रहे क्योंकि बहुत थक गए हम लोग बहुत। तो हम लोग अभी मात्सुमोतो स्टेशन से शिनशिमा बस टर्मिनल तक पहुंच गए, तो यहाँ पे बस पे बैठ गए हैं। तो यहाँ से हम लोग वो बस से जाएंगे कामिकोची जो हमारा कैंप साइट है, तो पहुँच जाएंगे। अभी हो रहा है 1 अराउंड 2 हम पहुँच जाएंगे, तो आपको मिलते हैं कामिकोची। तो यहाँ हम लोग कामिकोची पहुँच चुके हैं, कामिकोची बस टर्मिनल पे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कामिकोची से जो कैंप साइट है जो हमने हट बुकिंग किया है वो इधर से 800 मीटर दूरी पे है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे। 800 तो हमको 10 मिनट्स लगेंगे जाने के लिए, बट यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं तो कुछ वाटर एंड खाना ले लेंगे, तो वो रात तक भी जाएगा। देखते हैं क्या क्या मिलता है। बाकी बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू है, बहुत ही ज़्यादा, आपको दिखाती हूँ। भूख लग गई क्या? बहुत ज़्यादा। आपको भी खाना था बट नहीं खा पाए। इधर देखते हैं मिल जाए, मिल जाएगा। जापान में वेजिटेरियंस का बहुत प्रॉब्लम है। आई होप आपकी वीडियो के द्वारा जापान गवर्नमेंट के द्वारा पास ही मैसेज जाएगा और वो वेजिटेरियंस के लिए और खाना उपलब्ध कराएंगे। अरे यार कितने शोध की थी। अभी हम ब्रिज से निकल के यहाँ नीचे आ गए हैं, आप देख सकते हैं वो सही व्यू है।
अभी तो शाम हो चुकी है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, ठंड भी लग रहा है इधर। नॉर्मली वहाँ पे हमारे प्रिफेक्चर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन यहाँ तो बहुत सही लग रहा है। और ये देख सकते हैं नदी का पानी, इट्स ऑसम। आई एम इन सेंटर। हमारा हट है जहाँ हम लोग आज स्टे करेंगे रात को। यहाँ पे और भी सारे हट्स हैं, यहाँ पे लोग फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। पूरा जंगल के बीच में है, यहाँ पे देख सकते हैं माउंटेन्स हैं। अभी तो फॉग है तो दिख नहीं रहा। तो ये बहुत सारे हट्स हैं यहाँ पे, और वो है रिसेप्शन एरिया। इंक्वायरी कर सकते हैं अगर आपने हट वगैरह बुक किया है, टेंट वगैरह लगाया है, तो आप उसे इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे उधर लोग टेंट लगाए हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, एंड उधर है ऑनसन। तो आप उधर शावर वगैरह ले सकते हैं या ऑनसन में भी जा सकते हैं, उसका टाइम लिमिट है। और ये है रेस्टोरेंट एंड शॉप, आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी सब कुछ। हमने कुछ कुछ लिया है, और आगे जाएंगे तो आपको सारे कैंपिंग करते हुए मिलेंगे। वो सारे टेंट हैं लोगों ने लगा दिए हैं, पूरे नदी के किनारे। ये सारे टेंट हैं, बारिश है फिर भी लोग इसे टेंट लगा रहे हैं। और ये देखिए इतना सही है, बहुत सारे टेंट लगाए हैं, बहुत सारे। तो ये था हमारा डे वन का वीडियो। हम लोग हट ले चुके हैं और वहाँ सामान भी रख चुके हैं। मैं थोड़ा इधर आई थी कि थोड़ा कवर करूँ नेचर को। एक्चुअली मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नेचर के बीच में आओ और शांति से रह लो, क्योंकि हम लोग हमेशा सिटी एरिया रहते हैं तो क्या ही दिमाग का पूरा भरता बन जाता है। तो इधर हम लोग आए हैं और हट में अभी शाम होने, इवनिंग होने कुछ टाइम पे रात अंधेरा हो जाएगा, तो मैंने सोचा थोड़ा कवर कर लेते हैं एंड डिनर भी करेंगे जल्दी। अभी कर लेंगे, अंधेरा हो जाएगा तो डिनर कर लेंगे और जल्दी सो जाएंगे, बहुत थक गए हैं। सो मुझे होप है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए जय हिंद जय नरेंद्र नाथ, सी यू सून, थैंक यू। तो हम लोग
रात को अभी निकल चुके हैं, बाहर बाहर कोई भी नहीं है, एक दो लोग दिख रहे हैं, बट हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि बाहर क्या है। बट भालू भालू यहाँ पे घूमते हैं तो मना किया है ज़्यादा घूमने के लिए बाहर, मतलब जब तक मतलब आस पास ही घूमेंगे, ज़्यादा जाएंगे नहीं बाहर। देखते हैं क्या क्या है, बहुत अंधेरा है, सबको बहुत अंधेरा। यहाँ पे बस वेंडिंग मशीन्स दिख रहे हैं, जॉनसन भी बंद हो गया है, इधर हम जाते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते पीछे बहुत अंधेरा, बट लोग वहाँ पे टेंट वेंट वगैरह है तो लाइट थोड़ा जल रहा है, तो देखते हैं क्या क्या है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, खतरा नहीं उड़ेंगे।